हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 पियर्सन आईडी फाउंडेशन के से ट्रिगोनोमेट्री के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिए और आपको देखना है तो देख लीजिए, इससे पहले मैंने करा दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इफ द टिप ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक ट्रेवल्स 13.2 सेंटीमीटर। टिप ऑफ अ पेंडुलम, तो आप पेंडुलम देखे होंगे ना, ये पेंडुलम हमारा इस तरीके से, ये एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ इधर आ रहा है, ठीक है। ये जाके वापस अगर आ जाए तो क्या बोलते हैं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ट्रेवल 13.2 सेंटीमीटर इन वन ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन का मतलब ये है, कितना सेंटीमीटर वो ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, 13.2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है, एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 6.3 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर, रेडियस कितना सेंटीमीटर है, 6.3 सेंटीमीटर, दैट इज ग्रेट। फाइंड द एंगल ऑफ मेड बाई द पेंडुलम इन द हाफ ऑसिलेशन इन रेडियन सिस्टम। हाफ ऑसिलेशन, तो गया जाके वापस आ गया, कितना सेंटीमीटर, 13.2, तो हाफ ऑसिलेशन में कितना हो जाएगा, 13.2 दो के बाद कितना, 6.6 सेंटीमीटर। दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। दैट इज लेंथ ऑफ आर्क कितना हुआ, 6.6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हुआ, 6.3 सेंटीमीटर। और ये एंगल मांगा है, अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो क्या होता, सर्कल होता। क्या होता फार्मूला, थीटा बराबर एल बाई आर। एल कितना है, 6.6 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 3 × 6 = 22/21 किस में आया, रेडियन में। इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 22/7 × 1/3 वही ना है, और ये कितना है, पाई इंटू 1/3 कितना होगा, पाई बाई 3 रेडियन। तो आंसर हमारा कितना हो, पाई बाई 3 रेडियन, या इसको 180 डिग्री पुट कर दें तो हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। रेडियन में बोला है तो पाई बाई 3 होगा, या 22/21 रेडियन होगा, क्या होगा, 22/21 रेडियन। ओके चलिए, 26 हो गया हमारा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। 27, इफ कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा आर इन एचपी। कोसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एचपी में, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, किसमें है ये, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये कॉट थीटा है और ये हमारा क्या है, सेक थीटा। ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि उनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, मतलब 1/cosec थीटा, 1/sec थीटा, 1/cot थीटा, ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब प्रूव करने कहा है, इवेलुएट करने बोला है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा बाई कॉस थीटा ये कितना होगा। तो देखिए, 1/cosec का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा, 1/sec का मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा, 1/cot का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा। ये सब किस में, एपी में। एपी का मतलब लगातार जो टर्म्स होंगे उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, जानते होंगे आप, कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंस, उसी तरह से टेन थीटा और कॉस थीटा का डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट डिफरेंस। जैसे मैं बोलूँ 5, 7, 9, ये तीनों क्या है, एपी में, क्यों, 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, लगातार दो टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहे तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इस पार आएगा तो प्लस कॉस थीटा, 2 cos θ इज इक्वल टू साइन थीटा, उस पार चला जाएगा साइन थीटा प्लस टेन थीटा, दैट इज 2 = क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और मांगा क्या है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्या मिला, 2, सिंपल सा। तो 27 का आंसर है। ओके चलिए, 27 हो गया, अब आते हैं 28 में। क्या है, एवेल्युएट कॉट पाई बाई 18 इंटू कॉट पाई बाई 9 इंटू कॉट पाई बाई 4 इंटू कॉट 4π/9, 7π/18, 4π/9, 4π/18 इंटू कॉट
सेवन पाई बाई 18। ओके, ये क्वेश्चन है। अगर आप पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दें तो ये आएगा 10 डिग्री इंटू कॉट, ये होगा 20 डिग्री कॉट, पुट करें 180 बाई 4 45 डिग्री। वैसे आप पाई में भी कर सकते हैं बट ये आसान हो जाएगा थोड़ा। ये पाई बाई 18 मतलब 10 चौक 40 डिग्री गुना कॉट पाई बाई 18 10 जाते 70 डिग्री। ठीक है, अगर हम कॉट 45 डिग्री की बात करें तो ये 1 होता है। कॉट 10 डिग्री देखिए और कॉट 20 डिग्री, 10 और कौन सा देखेंगे, सत देखिए कॉट 20 डिग्री और कॉट 70 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री और 70 डिग्री देखिएगा तो 90 डिग्री होगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोलूँ अगर कॉट 20 डिग्री तो मैं लिख सकता हूँ इसको ना कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अरे 90 में 70 क्या 20, यही ना लिख सकते हैं। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, दैट इज़ ये हो जाएगा टेन 70 डिग्री। ओके, दैट इज़ हम लिख सकते हैं कॉट 20 डिग्री को टेन 70 डिग्री, क्या लिख सकते हैं बताइए, ये हो जाएगा कॉट 10 डिग्री, या कॉट 10 डिग्री की भी बात कर लेते हैं। कॉट 10 डिग्री क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, दैट इज टेन 80 डिग्री। ओके, तो कॉट 10 डिग्री को हम लिखेंगे टेन 80 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री को टेन 70 डिग्री, ये तो 1 है। कॉट 40 डिग्री को हम कॉट 40 डिग्री ही रखते हैं इंटू कॉट 70 डिग्री को कॉट 70 डिग्री ही रखते हैं। अब देखिए टेन 70 डिग्री और कॉट 70 डिग्री एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, एंगल भी सेम है, तो ये मिल के कितना हो जाएगा 1, तो हमारा हो गया टेन 80 डिग्री इंटू 1 इंटू 1, ये तो 1 हो गया ना, ये टेन 70 इंटू कॉट 70 1, और ये 1 ऑलरेडी लिखने की ज़रूरत नहीं, लिख ही लेते हैं। कॉट 40 डिग्री को कॉट 40 डिग्री लिखते हैं, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो बचा क्या टेन 80 डिग्री इंटू कॉट 40 डिग्री। ये क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे 80 और 40 को अगर जोड़ेंगे तो 120 डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा और आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सलूशन हो गया, लेकिन आप कहेंगे आंसर तो 1 है, एक्चुअली में मिसप्रिंट। अगर आप ठीक से देखें इस क्वेश्चन में 18 नहीं होके यहाँ क्या होना चाहिए 9, अगर ये 9 होगा तो ये क्या होगा, ऐसा होना चाहिए लेकिन दिया नहीं आपकी किताब में, अगर ऐसा है तो ये आंसर है। पाई बाई 9 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 20 80, ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री, ये अगर 80 डिग्री होगा तो ये भी हमारा क्या होगा 80 डिग्री, ये भी क्या होगा 80 डिग्री। अब बताइए टेन 80 डिग्री कॉट 80 डिग्री कितना हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हमारा ये कॉट 80 डिग्री हो गया, और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल एंगल भी सेम है, तो आंसर क्या होगा 1। ओके, तो वहाँ पे बेसिकली जहाँ पे 4π/18 था वहाँ 4π/ क्या होना चाहिए था 9, या तो आप क्वेश्चन ठीक कर लीजिए या सोल्यूशन ठीक कर लीजिए। ओके, आंसर ठीक कर लीजिए, क्योंकि आंसर के हिसाब से क्वेश्चन होना चाहिए 4π/9 और 4π/18 के हिसाब से आंसर होना चाहिए 10 80 इंटू कॉट 40। ओके, तो या तो आप आंसर को सही मानिए या दोनों को सही नहीं मान सकते एक साथ। नेक्स्ट, कॉट थीटा 3/4, और कह रहा है थीटा एक्यूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब 0 से 90 के बीच, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बाई, बहुत आसान क्वेश्चन, बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। जब एक्यूट बोले समझ जाइए कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ थीटा है, टेन क्या होता है, कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4, यही ना होगा, कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर 3/4, ये हो जाएगा 4² + 3² √5, इतना तो समझ ही रहे हैं ना, 4² + 3² √5, इतना आप नहीं समझते हैं तो मुश्किल है ना, फिर टेन थीटा क्या होगा 4/3 परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा 3/4 जो कि ऑलरेडी गिवन है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई बेस कितना होगा 5/3 प्लस कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर 5/4, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 3 × 12 = 16, 4 × 12 = 9, 4 × 12, 3 × 12 = 15, 15। ओके, 3 × 12 4×5 = 20 होगा, ये 16 × 9 = 25, 12 × 12 = 20, 12 = 35, 5×5 = 25, 5/7 आंसर होगा, क्या आंसर होगा 5/7। ओके, उतार लीजिए।
डन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 30 का ए सिंप्लीफाई करना है। साइन ए प्लस 25, साइन ए माइनस, साइन ए प्लस 45 डिग्री, साइन ए प्लस 45, साइन ए माइनस 45। इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या हो, कॉस 45 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस के लिए प्लस, कॉस ए इंटू साइन 45 डिग्री। साइन ए माइनस सेम वही होगा, सिर्फ यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू कॉस 45 माइनस कॉस ए इंटू साइन 45 डिग्री। ओके अब बताइए कॉस 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, तो ये हो जाएगा साइन ए बाई रूट टू प्लस कॉस ए, साइन 45 ये भी 1/√2, कॉस ए बाई रूट टू, यहाँ क्या होगा साइन ए बाई रूट टू माइनस कॉस ए बाई रूट टू, 1/√2 कॉमन, यहाँ से भी क्या कॉमन, 1/√2 क्या होगा साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो हो जाएगा 1/√2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब निगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए पहले साइन स्क्वायर ए बाद में, अगर नहीं समझ आया तो आप सिंप्लीफाई कर ले वही आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डायरेक्ट फार्मूला है किसका, कॉस 2a का, तो माइनस हाफ कॉस 2a, क्या आंसर हो गया माइनस हाफ कॉस 2a। ओके नेक्स्ट इसमें और एक क्वेश्चन है 30 में, 30 का ए हुआ ये, ए प्लस बी 225 डिग्री, ए प्लस बी 225 डिग्री, क्या मांगा है टेन ए प्लस वन टेन बी प्लस वन मांगा है, टेन ए प्लस वन इंटू टेन बी प्लस वन ये मांगा है, मतलब इसको सॉल्व करें टेन ए को टेन बी से गुना करेंगे, फिर टेन ए को वन से प्लस टेन ए, फिर वन को टेन बी से प्लस टेन बी प्लस वन को वन से वन, तो ये मांगा है ठीक है। और दिया हो क्या हुआ ए प्लस बी इज इक्वल 225 डिग्री, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन 225 डिग्री, क्या फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसको लिख सकते हैं टेन 180 डिग्री प्लस 180 के साथ जो भी ऑपरेशन होता है वो वही रहता है, टेन टेन ही रहेगा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट टेन का ही है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्या होगा आंसर टेन 45 डिग्री, और ये वन होता है वन इंटू समथिंग वही रहेगा, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन ए इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन, तो टेन ए टेन बी प्लस टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू वन आया, देखिए टेन ए टेन बी प्लस टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू वन आया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वन है, उसमें एक और जोड़ना है तो आंसर कितना हो जाएगा टू। ओके उतार लीजिए, चलिए 30 का बी भी हो गया, उसके बाद 31 क्या कह रहा है, एलिमिनेट थीटा एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और जेड भी दिया हुआ है यहाँ पे, जेड कितना दिया हुआ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ थीटा हटाना है, साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा एक्स बाई ए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी, कॉस थीटा क्या है वाई बाई बी, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ख़त्म एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी। अब चाहें तो क्या ले लें इसका ए और बी, जैसे एलसीएम लेते हैं ए ख़त्म
बी एक्स स्क्वायर, बी भी ख़त्म, ए वाई स्क्वायर, तो जेड ए बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए डन, ओके 31 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या होगा, 32 क्या बोला है, 32 साइन है 3/5। 32 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट करा दे रहे पहले। क्या बोला, साइन है 3/5, ए इज़ नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन है 3/5 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मांगा क्या है, कॉस ए साइन 2a, कॉस ए साइन 2a बटे टेन ए सेक ए, ये मांगा है। साइन 2a अगर नहीं पता है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होना चाहिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है बटे टेन ए प्लस सेक ए, यही मांगा है ना। अब क्या होगा, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है तो साइन चूँकि पॉजिटिव में गिवन है तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, तो सेकंड में ही होगा, ये बात समझ पाए। साइन पॉजिटिव दिया हुआ, बोला फर्स्ट में नहीं है तो कहाँ पे होगा, जहाँ पॉजिटिव है दूसरी जगह में, तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है जो कि नहीं है यहाँ पे, सेकंड में ही होगा चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल कितना है, ए कितना, 3/5, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 25 में 9 का 16 का रूट 4 आएगा यहाँ पे, पता ही होगा। और ये लेकिन ये क्या होगा, पीछे है तो निगेटिव होगा, कॉस ए निगेटिव 4/5, 2 साइन ए 3/5, कॉस निगेटिव 4/5 बटे टेन ए 3/-4 प्लस सेक ए 5/-4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, निगेटिव 4/5 माइनस 3 में चौक 24/25, 5/3 8/-4, तो हो जाएगा यहाँ पे अगर हम 25 कर दें, ले लेते हैं एलसीएम, तो -20 -25 24/ चला जाएगा निगेटिव 4 ऊपर और 8 नीचे, तो 24 और 20 -44/25 इंटू -1/2 22 निगेटिव पॉजिटिव 22/25 आंसर होगा। सॉल्व करना था बस, कितना आंसर होगा, -22 पॉजिटिव हो गया। ओके, 32 का ए हो गया। चलिए 32 का बी में आते हैं। बी में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टिप ऑफ पी ऑफ अ पोल पी क्यू, एक पोल है पी क्यू, ठीक है, फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी लाइंग इन आइदर साइड्स, एक पॉइंट हमारा ए है एक पॉइंट बी है, ए में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ये मान लेते हैं कितना डिग्री है 30, और ये आइदर साइड है तो एक तरफ इधर होगा, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, इसमें एक पॉइंट है सी, ये ए है ये बी है, उसमें एक सी पॉइंट लाई कर रहा है, तो टू एंगल ए पी सी, टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, मतलब एंगल ए पी बी ए पी सी का डबल है, मतलब अगर ये एक्स है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा एक्स, तभी तो टू एक्स होगा, ये खुद देखिए ना, ए पी बी ए पी बी ए पी सी का डबल है तो एक्स है, तो पूरा कितना होगा 2x। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, देखिए ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री 30 90, तो ये पूरा ये कितना होना पड़ेगा, ये 90 होगा, समझ रहे हैं, तो ये होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, वो तो बात आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड ए सी, फाइंड ए सी ये मांगा है और बी सी दिया हुआ है 30 मीटर। देखिए यहाँ पे ये वाला पूरे ट्रायंगल को ये वाला क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ये ए पी और पी बी का रेशियो ए सी और बी सी का रेशियो बराबर होगा। ए पी और पी बी का रेशियो देखिए, ए पी और पी बी ये ट्रायंगल अगर देखें तो यहाँ पे कितना डिग्री है 90 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, पी ए बी
तो अगर 60 डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर और बेस है, और परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होता है, 10, दैट इज 10 60 डिग्री हो गया ए सी बाई बी सी, बी सी कितना है 30, और ये रूट 3 होता है, रूट 3 इंटू 30 इज इक्वल टू ए सी, ए सी कितना आया 30 रूट 3, बहुत ईजी। लेकिन आपकी किताब में पता नहीं आंसर क्यों ऐसा दिया है, वो ए सी और बी सी का आंसर निकाल दिया है, और ए सी और बी सी का जो रेशियो है कितना 10 60 डिग्री आया, और 10 से कितना रूट 3, रूट 3 इज टू 1 हो जाएगा, मतलब ए सी और बी सी का जो रेशियो तो 10 60 डिग्री के बराबर आया ना, और 10 60 डिग्री कितना होता है रूट 3, मतलब रूट 3 इज टू 1। अब ये क्यों लिखा है वही जानता है, बट क्वेश्चन में पूछा है ए सी तो मैंने ए सी निकाल दिया। ओके चलिए समझ आ गया, 32 का बी हो गया, 33 में आता है। क्या बोल रहा है 33 में, कॉस ए माइनस बी 5/13, और साइन ए प्लस बी 4/5। तो मांगा गया है साइन 2b, साइन 2b क्या होगा। अब बताइए a माइनस बी एक एंगल है, यहाँ पे a माइनस बी एंगल पूरा यहाँ बना देते हैं, कॉस a माइनस बी 5/13, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज 13² 100, ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 12 आएगा, कर ही सकते हैं उतना। उसके बाद अगर a प्लस बी लें, ये हमारा एंगल a प्लस बी, ओके साइन क्या है 4/5, 4/5 25 में 9 3 आएगा, साइन 2b चाहिए, इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ए ख़त्म माइनस प्लस बी बी 2b हो जाएगा। अब देखिए आराम से, अब आपको पता है साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला, साइन x इंटू कॉस वाई, x के जगह में a प्लस बी है, इंटू कॉस a माइनस बी, माइनस है बीच में, माइनस कॉस a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। अब देखिए साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होगा 4/5 डायरेक्टली ही है, इंटू कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा 5/13 वैसे भी दिया हुआ है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3/5, साइन ए माइनस बी देखिए 12/13 पुट कर दीजिए क्या हो जाएगा बताइए, 5×20 12×36 बटे नीचे क्या होगा 65, 6 में माइनस 16/65 क्या आंसर होगा -16/25, ओके क्या होगा -16/25, 33 हो गया। 34 में आते हैं, इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं दो, क्या क्वेश्चन है फर्स्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 2, क्या मांगा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये दिया हुआ है, हमको पता है एक फार्मूला क्या आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये तो पता ही होगा आपको। तो क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 1, ठीक है हमें क्या चाहिए कितना है इज इक्वल टू 1। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, दैट इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने जोड़ दें, इसको कॉट थीटा कैंसिल हो गया, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 2 को जोड़ दिए, 1 को किससे जोड़े 2 से, 2 कोसेक थीटा 2 प्लस हाफ कितना होगा 5/2, तो यहाँ से आ गया कोसेक थीटा 5/4, कोसेक निकल गया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कॉट निकाल सकते हैं 5/4 माइनस 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो 4×2=8, 5 में ऐड कर -3/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा का है क्या है -3/4 और कोसेक थीटा 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर 25/16, 9/16 35/16 दैट इज 17/8, आंसर क्या होगा 17/8, बिल्कुल सही है तोड़ लीजिए। चलिए 34 का ए हो गया, 34 का बी देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
बी बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू टू, और मांगा है फर्स्ट नंबर साइन 2015 थीटा, साइन 2015 थीटा प्लस कॉस 2015 थीटा। सेकंड में क्या बोला है, साइन 2016 थीटा माइनस कोसेक 2017 थीटा, ठीक है कुछ भी मांगा देख लेते हैं। अब बताइए साइन थीटा प्लस को इसको सॉल्व करें, अगर साइन थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू टू हो जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई साइन थीटा इज इक्वल टू टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करने साइन थीटा कितना आएगा वन, जब साइन थीटा वन आएगा तो कॉस थीटा क्या आएगा जीरो, जब साइन वन होता है तो कॉस ज़ीरो होता है, साइन थीटा वन थीटा नब्बे डिग्री तो कॉस नब्बे डिग्री कितना होता है ज़ीरो। तो साइन थीटा वन है तो वन पे पावर 2015 प्लस कॉस जीरो पे पावर 2015 तो वन प्लस ज़ीरो कितना आंसर आया वन। साइन 2016 थीटा, साइन थीटा वन, वन पे पावर 2016, जब साइन वन है तो कोसेक भी वन होगा, वन पे पावर 2017, वन पे पावर कुछ भी करें वन होगा, माइनस वन कितना आएगा आंसर ज़ीरो। फर्स्ट का आंसर वन आया, सेकंड का आंसर ज़ीरो आया। 34 भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 35 में। चलिए थर्टी फाइव क्या कह रहा है, ये कह रहा है वन प्लस कॉस ए बाई वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए बाई वन माइनस कॉस ए। प्रूफ क्या करना है, कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल होल स्क्वायर, कोसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। आप अपनी किताब साथ में रखें, मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। तो एल एच एस को आर एच एस प्रूफ करना है, वन प्लस कॉस ए बाई वन माइनस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी किए, वन प्लस कॉस ए से डिवाइड भी किए, तो क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर वन ही होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, एक साथ कर लेते हैं, वन प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए से डिवाइडेड वन भी होगा और कोस ए भी होगा, वन बाई साइन ए क्या होता है कोसे के, और कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट ए, इसका होल स्क्वायर। ये तो प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल, एनसीईआरटी के लास्ट एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चंस इसी तरह के। ओके चलिए, उम्मीद है कि 35 भी आप समझ पा रहे हैं। 35 36 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। टेन 28 डिग्री इज इक्वल टू एन, टेन 28 डिग्री इक्वल टू एन, क्या मांगा है टेन 152 डिग्री प्लस टेन 62 डिग्री डिवाइडेड बाई, ए नंबर है इसमें भी दो क्वेश्चंस, टेन टू 242 डिग्री प्लस टेन 28 डिग्री, ठीक है। अब बताइए टेन 152 डिग्री की अगर हम बात करें 152 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस 28 डिग्री, टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव में आएगा टेन 10 में रहेगा तो नेगेटिव टेन 28 डिग्री। टेन 62 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये होगा टेन 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, 90 माइनस थीटा कॉट में बदल जाएगा कॉट 28 डिग्री, और कॉट 10 का रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा 1/n, ये तो हमारा n होता है नेगेटिव n हो जाएगा। और क्या चाहिए टेन 242 डिग्री, 270 के नज़दीक है 270 डिग्री माइनस 28 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट में बदल जाएगा चूँकि 270 डिग्री है कॉट 28 डिग्री, ये हो जाएगा 1/n। तो अब देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारा नेगेटिव n प्लस टेन 62 डिग्री, ये होगा नेगेटिव n टेन 62 कितना आया कॉट 28 डिग्री जो कि 1/n के बराबर आया, टेन 242 डिग्री 1/n के बराबर है, टेन 28 तो n ही है तो सॉल्व कर लीजिए n स्क्वायर प्लस 1 बटे n बटे 1 प्लस n स्क्वायर बाई n, n खत्म, ये 1 माइनस n स्क्वायर लिख सकते हैं इसको,
बटे वन प्लस एन स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन होगा। तोड़ लीजिए, 36 का फर्स्ट हो गया, 36 का सेकंड देख लेते हैं। फिर अब हम लोग लास्ट में ही हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5-6 मिनट और लगना चाहिए। फ्रॉम ए स्टीमर मूविंग टुवर्ड्स अ लाइट हाउस एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। बी में बोल रहा है एक लाइट हाउस है, यहाँ से रोशनी निकल रही है, तो पहले कितना डिग्री है इसका, 30 डिग्री। ओके, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है 10 मिनट्स फ्रॉम द जहाँ से शुरू कर रहा है, 10 मिनट के बाद ये कितना शो कर रहा है, 60 डिग्री। द स्टीमर रीचेज द लाइट हाउस एट 12 नून, यहाँ पे कब शुरू कर रहे हैं, क्या कब पहुँच रहा है लाइट हाउस में, 12 बजे, एट विच द टाइम ऑब्जर्वेशन वॉज मेड, कहाँ से ये ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ था, तो क्या हो जाएगा बोलिए, इसको अगर x मान है, ये देखिए ये 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 120 डिग्री, ये 120, ये 30, 150, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। अब बताइए ये 30, ये 30 दोनों सेम, तो इसका ऑपोजिट ये x है, तो इसका ऑपोजिट ये भी क्या होगा, x होगा, ये तो समझ गए आप। अब क्या हो जाएगा, मैं अगर tan 60 डिग्री निकालूँ, क्या निकालूँ, cos 60 डिग्री, इसको हम y मान लें अगर, तो cos y क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री है ना, वाई बाई एक्स, और cos 60 क्या होता है, 1/2, तो y हो जाएगा x बाई टू, तो ये हो गया हमारा बेसिकली x बाई टू। तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए लगा है 10 मिनट, तो ये आधा डिस्टेंस है उसका, इसके लिए कितना लगा होगा, 5 मिनट, समझे ना। अरे ये x है तो 10 मिनट लगा है यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन में दिया हुआ, और तो ये कितना लगेगा, 5 मिनट, तो 10 मिनट और 5 मिनट टोटल कितना लगेगा, 15 मिनट। इसका मतलब ये शुरू किया होगा 11:45 AM में, सिंपल। अच्छा क्वेश्चन है, डन। चलिए 37 में आते हैं, क्या कह रहा है, 3 sin A + 4 cos A = 4। क्या मांगा है, 4 sin A - 3 cos A मांगा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 3 sin A = 4 - 4 cos A, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 9 sin² = A - B² ए स्क्वायर माइनस 2 A × B + 4 cos A² स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 sin² क्या होगा, 1 - cos² = 16, माइनस 4 16 देना 32 cos A, 4 4 16 देना सही है ना, प्लस 4 4 16 cos² तो ये हो जाएगा 9 - 9 cos² = 16 - 32 cos A + 16 cos². देखिए ये हो जाएगा 9, सबको उस पार लेके जाते हैं, 16 और 9 25 cos² - 32 cos A, 16 ये 9 उस पार जाएगा, 16 में 9 हो गया, प्लस पॉजिटिव 7 है ना, ये हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको, 25 cos² - मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, 25 cos A - 7 cos A + 7 = 0, तो यहाँ क्या कॉमन होगा, 25 cos A - 1 - 7 cos A - 1 = 0, तो ये हो जाएगा cos A - 1 कॉमन, 25 cos A - 7 = 0। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो cos A क्या आएगा, -1 = 0, cos A 1, उसी तरह से 25 cos A - 7 = 0 हो सकता है, तो cos A कितना होगा, 7/25, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। cos A अगर 1 होगा दो बातें होंगी, cos A अगर 1 होगा तो sin A ऑब्वियसली कितना होगा, 0, और cos A अगर 7/25 होगा तो हमको एक ट्रायंगल बना लेना है, इसको एंगल A मान लेते हैं, cos 7/25, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 square 625 - 49 576 का रूट, ये होगा 24, तो यहाँ से साइन ए जो निकल के आएगा ये होगा 24/25, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली कितना है 24, तो यहाँ से 4 sin A कितना होगा, 4 × 0 - 3 × 1, तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ होगा 4 × sin A 24/25 - 3 cos A 7/25,
तो हो जाएगा 24 चौक 1/25 कॉमन, 24 चौक 96 माइनस 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में गया 5, 9 में दो 75/25 कितना आया 3, तो आंसर 3 भी आया और निगेटिव 3 भी आया, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव निगेटिव 3। क्या आंसर होगा बोलिए, पॉजिटिव निगेटिव 3। ओके चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 38। ये समझ गए होंगे आप, उम्मीद तो यही है। 2 आया कॉस का आंसर, कॉस 2 होने से साइन भी 2 होगा, तो वहाँ पे हमने पुट कर दिया और 2 आंसर है, एक पॉजिटिव 3 आया और नेगेटिव 3 आया। 38 क्या, लैडर ऑफ लेंथ 50 मीटर रेस्ट अगेंस्ट वॉल। 38 में बोला है एक वॉल है, इसमें एक सीढ़ी है जो कितना मीटर का है, 50 मीटर की सीढ़ी है, और 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना दूर है 30 मीटर। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द लैडर, क्या मांगा है, थीटा मांगा है। लैडर ऑफ लेंथ अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर, आई एम सॉरी ये कितना बोला है 30 मीटर, ये हाइट बोला है और इंक्लाइनेशन मांगा है, तो थीटा मतलब यहाँ साइन थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा क्या होगा 30/50, परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूज 0 0 खत्म। लेकिन यहाँ तो ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो क्या करेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5। वैसे इसका एंगल 37 डिग्री या 53 डिग्री होता है वो हम जानते हैं, बट आपको ऐसे लिखना है, ये इनवर्स में लिखने का तरीका है, ये थीटा साइन उस पार लेके चले साइन इनवर्स, बाद में समझ जाइएगा, बस इतना जाना साइन थीटा 3/5, थीटा का कोई वैल्यू तो आएगा जो कि हम जानते नहीं, या तो आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, टेबल से, लॉग टेबल जिसको बोलते हैं, एक्चुअली साइन टेबल है वो, ठीक है। अब मांगा है क्या, ये मांगा है, निकल जाएगा ना, ये तो आप पाइथागोरियन थ्योरम से निकाल सकते हैं ना, एक्स बराबर क्या होगा 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर का रूट, जो खुद करें आप, ठीक है। 38 हो गया, 39 में आते हैं, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा बराबर पी, दूसरा क्या है एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से क्या है अल्फा को एलिमिनेट करना, मतलब एंगल को एलिमिनेट कर देना है, तो कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर की इधर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो जाएगा एक्स साइन अल्फा का इस प्लस वाई कॉस अल्फा इसका स्क्वायर, इधर एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस, प्लस नहीं माइनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इधर स्क्वायर करें तो पी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या किया, स्क्वायर करके ऐड कर दिए, ठीक है, वही ना किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये पूरे का स्क्वायर तो हम अलग अलग भी कर दिए, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2x साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा, 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, अच्छे से लिख दिया हम, ये हो गया पहला वाला, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2x कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, तो 2xy साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर बचा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो गया, ऐसा किए हम लोग, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो वन होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अल्फा एलिमिनेट हो गया। ओके दिस वॉज द सेकेंड लास्ट वन, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको कर लेते हैं, डन। 34 हो गया, 35 में आते हैं, उसके बाद हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, आपको जल्दी चाहिए तो मुझे बताएं, नहीं चाहिए तो मैं आराम से करूँगा। 40 का LHS है 1 माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस 1 बाई कॉट अल्फा, इसको प्रूफ करना है 2, तो LHS ले लेते हैं 1 माइनस, इसको अगर हम क्या लें LCM टाइप का जो होता है कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ले लिए कॉस कॉस खत्म, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, समझ रहे हैं ना, ये इंटू ए कर दिए तो प्लस क्या होगा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक, और सेक अल्फा क्या होगा 1 बाई कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा क्या होगा 1 बाई कॉट टेन, टेन क्या होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, इंटू
वन प्लस साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, वन प्लस साइन अल्फ़ा मतलब कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस कितना हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस अल्फ़ा कितना हो गया कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया कितना आया टू, जो कि आर एच एस में टू ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, मुझे लगता है ये बहुत हाई स्पीड में हमने करा। अगर आपको इतनी ज़्यादा स्पीड पसंद है या नहीं है जो भी है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक नया एक्सपेरिमेंट किया बहुत ही फास्ट करने की कोशिश की, अगर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है स्लो करके देख सकते हैं, आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं, नॉर्मल लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।